करने अच्छा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ऊपर वाले चला माँ वह भरोसा ना टाइप कर सवारी हो ना भरने होला पहला सवारी रिच से होला जैसे मांदर बजल ना तो हमने मांदर बजते बजते एकदम मत जाइएला और कने होला बोल ना मत जाइएला मस्त हो जाइएला क्या सर मस्त हो जाइएला दूसरा भरने का होला दूसरा भरने शैतानी भरने होला शैतानी भरने जब होला तो अड़ंग सड़ंग बोले लगिएला अड़ंग सड़ंग करे लगिएला और उस समय हमने समझे ने पर किए माए हमके बुलवाता हो या शैतान बुलवा दो जब शैतान बुलवा तो सिवर माए के रूप में शैतान आके खड़ा हो जाता हो और सोचबे कि हमके मतलब माए बुलवा था सरना माए ही बुलवा था सेवरा समझ जाए कि जब अड़ंग बड़ंग बोले लगते हो ना तो समझ ले सेवरा हमी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शैतानी हरकत शुरू हो ठीक है ना उस समय तुम्हें के कागज जो शैतानी हरकत हुए लगता सेवरा का करना हो ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें के धुवन करना है धुवन नहीं कर रहा है तुमने धुवन करना बेशक कुछ भी मचराओ तूने पानी नहीं चढ़ावा माँ को कोई दिक्कत नहीं तूने क्या कुछ और नहीं चढ़ावा कोई दिक्कत नहीं लेकिन शुरुआती दौर में तूने आसपास में धुवन करना बहुत जरूरी ठीक है ना धुवन करवा माँ कर विनती भजन करवा पूरे में जितना शैतानी शक्ति हो खत्म हो जाता हूँ कोई बात नहीं जो हो गलो करना कोई दिक्कत नहीं हो हम एक बता देती है समझ रहे मैं और दूसरा शक्ति तीसरा शक्ति बोला देवी देवता का जैसे देवी देवता हमने बहुत पहले हिंदू धर्म के अनुसार मानत रही है ना अन्य देवी देवता को मानत रही है और हमने अखन अन्य देवी देवता के हिसाब से करती है तो हमने सरना माह को सरना माह के कहो सुपर पावर के कहो सुपर पावर है कुछ सारा संसार को जो बनाया उस चीज़ को हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ शैतान आके रोकने लगता है। अभी चित्रंजन उराव अगर यूट्यूब के माध्यम से या यहाँ पर इस गांव में आए हैं शुक्रा जी आए हुए हैं अपने हमारे जयमंगल जी आए हुए हैं हमारे दिनकर जी आए हुए हैं तो क्या इनके पर तो रोक चोक नहीं है है कि नहीं है रोकते कि नहीं रोकते हैं रोके ना नहीं रोके ना जो सही मार्ग पर जाने लगे ना तो वहाँ बहुत सारे शैतानी शक्ति शैतान आदमी मन आवे लगते दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी आवे लगवा तो और रोके कर छेके शुरू करने लगे ना से लेके माय का रास्ता हमने बहुत आसान हो का हो माय का रास्ता बहुत सहज हो बहुत आसान हो कुछ भी नहीं करना हो एक दिन पवित्र मान से सुंदर मान से आवा और या विनती करा भजन करा और पानी डाला माय खुश माय खुश हाथ उठावा माय खुश माय खुश सरना माय का हो तो खुश का हो तो माय खुश हो तो कुछ भी नहीं चाहिए माय माय तो और पानी चढ़ा ले भूखा हो से नहीं हो माय खुश होना मेरा हमको बोला जिस भी मन का भरने के माध्यम से माय बुलाओ ला कि आओ मेरे आदिवासियों मेरे आदिवासियों आओ आप पुराना वासी है आपके आने से आपको जो चाहिए वो मिलेगा सुख चाहिए सुख मिलेगा प्रेम चाहिए प्रेम मिलेगा एकता चाहिए एकता मिलेगा संगठन चाहिए तो संगठन मिलेगा और बहन लोग को सुरक्षा मिलेगा हम लोग सब सुरक्षित होंगे नौकरी करने वाला इसी तरह से आज पैसा उसका भी मदद करने लगेंगे आप लोग को भी अच्छा लगेगा सबको अच्छा लगेगा लेकिन हम लोग क्या करें इस चीज़ को भूल गए किसको भूल गए माँ को किसको भूल गए अब इसको भूल गए तो समझ लीजिए कि यहाँ शैतान खींचेगा यहाँ से ये खींचेगा यहाँ से ये खींचेगा यहाँ से ये खींचेगा अब ये खींचते 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 कितना भी तुम लोग संगठन तक मनाने की कोशिश करोगे नहीं बनेगा तो तीसरा सवारी कहा बोला देवी देवता का बोला बोला देवी देवता का देवी देवता वहाँ बोला ओहो थोड़ा सा ओकर हिसाब से तो फल चढ़ाए पड़ते हो ओकर हिसाब से तो खाए पियल मिलते हो ओकर हिसाब से तो के कुछ न कुछ जो इच्छा जो होला ओकरो अलग अलग रूप हो क्योंकि किसको फूल पसंद हो किसको फल पसंद हो किसको खून पसंद हो किसको कुछ कुछ अलग अलग पसंद हो ठीक है ना समझे तुम मैं तो ओकर हिसाब से चढ़ावा लोग खुश रहते हो देवी देवता का पूजा मतलब कहाँ होला एक तरह से सौदा करना होगा सौदा करना मतलब हम उनको कुछ देंगे तू मुझे देगा क्या होगा हम उसको ऋषि मैया का ऋषि मैया के कहा हो अगर क्या अच्छा पिंधे मन करा था तो कि हम कुछ चीज़ दिलिए तो मैंने कहा करता हूँ चित्रंजन अच्छा है जो चाहे हमारे हिसाब से जैसे हमारे हिसाब से चल रहा है ना हमारे हिसाब से चल रहा हो या हमको कुछ दिलो तो हम खुश हो के क्यों हम आशीर्वाद दबो क्यों दबो और इको हम दो चार रुपया दबो या इकर हम दबो से जैसे देवी देवता होता है देवी देवता मतलब होता है आप दोगे तो वो देगा और हमने यहाँ फसल ये दो चीज़ में सबसे ज़्यादा फसल ये किस चीज़ में भूत पूजा प्रेत पूजा क्या क्या घर में भूत मने हो सकता हो कि नहीं सबके घर में हो ना यहाँ फसल ये सही बात बोला था कि सही बात हो ना सही बात
घर में। हाँ तो हमार हम अपन घर बता दियो, हमार अपन घर पर बता दियो। तो देखिए जय धर्मेश, जय धर्मेश, हम अपन घर का बता दियो, ठीक है ना। हमारे घर में पूजा पाठ हम जो हर 3 महीने के बाद में मुर्गी चिंगना देवत रही है, बड़ा परेशान, मतलब जब तक देते रहे 2-4 दिन भूख नहीं लगता तब तक तो खुश रहता हूँ, बाद में फिर वो का कर लगता हूँ इसको दो तभी देगा, तब तो बीमार करता हूँ, तो के बीमार करता हूँ, घर परिवार वाला को थप्पड़ थप्पड़ मार के कुछ कुछ कर देता हूँ, तो फिर कहा तो भगत मने भाई चढ़ाओ, फिर भीड़ शुरू हो जाता तो ठीक है, कभी हॉबी नहीं करता रहे। तो हमने कर कहा लो हमारे चाची से थे, हमारे चाची के नाम से ताली बजा लो, तो उस समय कहा लो कि हम लोग मर जाना स्वीकार है, सुनो मैं इधर मर जाना स्वीकार है लेकिन हम लोग भूत पूजा नहीं करें। 4 से 6 महीना तंग कर लो खूब, आदमी पूरा घर परिवार परेशान, सब परेशान, लेकिन ठान ले लिए कि ठीक है आओ तुमको देखते हैं कितना तुम्हारा शक्ति है, हमको जीवन में हम जानते हैं कि आज न कल तो मरना ही है, हम मरेंगे ही मरेंगे, कोई मरने से रोक नहीं सकता, मरने से कोई झुठला नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता, मरना तो सत्य है ये है, तो हम मरने से कहे डरेंगे, हम भूत प्रेत से आज के बाद में नहीं डरेंगे, चाहे कितना भी दुख आएगा, कितना भी तकलीफ आएगा, कितना भी समस्या आएगा, नहीं डरेंगे। तो जब हमने डरा थे से भूत प्रेत दिशत भी रहे, केको हाथ का नजर दिशतो, केकरो साड़ी पिंधल दिशतो, कभी कुछ दिशतो, तो मतलब जैसा सोचन उस से रियल में दिशल भी है, ऐसे का कहते ना कि मतलब हमके भूत प्रेत दिशल दिशबे करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे तो एक डरा छोड़ देवे कि जीवन में मरना ही मरना है, हम इससे कतई भी कुछ भी होगा नहीं डरा लगभग, तो अपने आप साइड में लगता कहता हो अपने आप साइड में लगता। अब हमने छोटे छोटे जब छोटे से डर पैदा कर दिए, डर पैदा, डर सबसे बड़ा शैतान है, क्या है डर सबसे बड़ा शैतान है, और ये डर को समझना है कि जीवन में हम कहीं भी रहो हमको मरना सत है, हमको मरना ही मरना है, ठीक है पान जी। तो हम लोग क्या करना है, डरना नहीं, किसी ने डरना है भूत से, प्रेत से, जब भूत प्रेत से हम लोग नहीं डरेंगे तो क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, तंग नहीं करेगा, और भूत प्रेत तंग काल करो ना, बहुत आदमी है जो दारू बना बना के बहुत आदमी को मार दिला या दारू पिला पिला के मार लो, वो आदमी भी ज्यादा ज्यादा प्रेत बनाए ना, इस बारे में कभी हम बताए थे, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें जब दुख लगते इस टाइप के बराबर, ठीक है ना, तो हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते, सबका चेहरा हंसमुख लाने चाहिए होगा, ठीक है, जल्द ताली बजाओ। यानी कि आने वाले दिन में हम बदल देवो, दारू बनाना, दारू पिलाना, और दारू के हम हमारे अंदाज से तुमने कर अगर 5% भी सहयोग रहता तो हमको लगे कि खाली ऐसे केवल केवल 2-4 आदमी बीच बीच में मीटिंग उटिंग करा, ऐसे हमको बड़ा मीटिंग नहीं चाहिए, ऐसे ही छपरा छपरू चाहिए और पेड़ ही चाहिए। हम कहा घनश्याम को बोले कि नहीं, घनश्याम कहाँ आओ, अमृत नहीं बोल रहे कि हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, ना खाने पीने गमछा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे ही पेड़ के छाया हम लोग अच्छा सा संदेश, अच्छा संदेश हो कि नहीं आओ, अच्छा संदेश हो ना, तो हमने कहा वो बेड दबना मतलब ढाओ ढू ढा ढू करना हो तो मतलब सब में नहीं बदला, जब हिम्मत कर देवे तो वो भूत भी साइड हो जाता है, वो भी भागे लगते हैं, और हे भूत प्रेत के तुमने के जगह तुने हो, और तुमने जो काम कर रहा है सीखा चलते तुमने के तुमने भूत बनला प्रेत बनला, तुमने तुमने गलत करना सिर कहा वाला भूत और प्रेत बनला, तुमने परेशान मत करा। उस समय हमने क्या करना हो, हरगढ़ी पूजा हो बोला, बोल को नहीं हरगढ़ी पूजा हो नहीं, हरगढ़ी पूजा होला, वो हरगढ़ी पूजा में हमने के वो मनकर मुक्ति प्राप्त करे ले या मुक्ति दिलाए, हमने के क्या करना हो मुक्ति दिवाए ले, सुना था माई, ए माई तो सुना था तुमने, मुक्ति मुक्ति मतलब नहीं समझा, ठीक है, चलो कर से आओ थोड़ा सा सहज रास्ता बता, समझ में आओ तक नहीं आओ सुनी थे, आओ तक नहीं आओ, ऐसा तो नहीं कि यहाँ बताते और इन्हें पार होता है, समझ में आता आओ तो भी तो निकले आओ तो नहीं आता हूँ, तो क्या बताए चाहते रही हम, जो मारा आदमी हो तो सही मेरे को आत्मा भक्का, अब तू मन के कहा चाहिए कुछ न कुछ शरीर चाहिए, कुछ न कुछ
सुनो माई तब सुनो, कुछ न कुछ शरीर चाहिए, और जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक करता हो परेशान करते रहते। तो जब कुंडी पूजा होगा सेवर हमने के भी पवित्र मन से करना चाहिए, सुंदर मन से करना चाहिए, और बहुत बड़ा हमने के पूजा है कहो, जो हरगड़ी पूजा है कहो, कुंडी पूजा है कहो, इन्हें वर्क नहीं होगा बोलने नहीं बोले नहीं जाना में तो खैर होना ही है, मैं तो वह कुछ पत्थर गड़ावे कर ला हूँ रहते जगह पत्थर है मतलब कुंडी में नहीं जाओ। चला ठीक है, आप ये और बात बता रहे हैं पहले तो जय जयकारा करियर के लिए ठीक है ना, बोले दिमाग खुला तो दिमाग खुला तो तुम्हें